हेलो एवरीवन, दिस इज जसराज। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज का वीडियो जो सेशन होने वाला है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें बहुत देखता हूँ अपने लाइफस्टाइल में, अपने रूटीन में। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब मैं कोई चीज़ पढ़ता हूँ, मुझे बहुत पढ़ने का शौक है, तो मैं जब कोई चीज़ चार जगह से पढ़ता हूँ तो मुझे एक कंक्लूजन मिलता है। वो कंक्लूजन मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो जस्ट शॉर्ट वीडियो रहेगा, ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, बट आप लोगों को एक कंक्लूजन पे पहुंचा के रहूँगा कि आप लोगों का प्रोटीन इंटेक कितना रहे। और इसके बेसिक की पॉइंट्स की बात करते हैं। मैक्रोस तीन डिवीजन में है, एक है कार्बोहाइड्रेट्स, एक है प्रोटीन, एक है फैट्स। ये सबको पता रहता है, हर एक सेशन एक एक चीज़ को कवर करेंगे। ये प्रोटीन इंटेक पे है, तो इसको प्रोटीन इंटेक तक ही लिमिटेड रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो इस पर डिपेंड करती है, प्रोटीन इनटेक कितना लेना, वो डिपेंड करता है कि आपका जेंडर क्या है, आपकी हाइट क्या है, आपका वेट कितना है, आपका परफॉर्मेंस, फिटनेस परफॉर्मेंस लेवल कितना है। आप बहुत एक्सट्रीम लेवल का फिटनेस वर्कआउट करते हो या आप सिर्फ वॉकिंग करते हो, उस सारी चीज़ों पर भी डिपेंड करता है कि आपका जो इनटेक है, फूड इनटेक। देखो, सीधी सी बात है कि अगर बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हो तो सही चीज़ अच्छी क्वांटिटी में खाना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो उतनी भूख नहीं लगती है ना। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए मैंने रिसर्च की है और एक कंक्लूजन में आया। तो मैं जो रिकमेंड करता हूँ, जो RDI है, रिकमेंडेशन है इनटेक का, दैट इज़ 0.8 ग्राम फॉर मिनिमम। और नो फिटनेस वर्कआउट जो नहीं करते हैं उनके लिए, या फिर जो बहुत मिनिमम लेवल का फिटनेस एक्टिविटी करते हैं उनके लिए 0.8 ग्राम पर पाउंड नहीं है, दिस इज़ केजी, 0.8 ग्राम पर केजी है। और वो जाता है एक्सट्रीम इंटेंस लेवल का जो वर्कआउट करता है, वो जाता है 1.5 ग्राम पर केजी तक के। तो मैं मेरा एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि ये किस लेवल से, रेंज क्या रहेगा इसका। मैं क्या करूँगा ना कि चार डिवीज़न भी बना दूंगा वेट कैटेगरी का, सो दैट ना आप लोग रिलेट कर सकते हैं वो चीज़ से कि मेरा ये रहेगा इस लेवल पे रहेगा, या जो भी चीज़ें रहेंगी आप रिलेट कर पाओगे इसे। फॉर एग्जांपल, मेरा जैसे पाउंड्स में देखिए 176 पाउंड अराउंड वेट है करेंटली, दैट कम्स आउट टू बी 80 अराउंड kg आता है। अच्छा, एक और एक चीज़, 1 kg इज़ इक्वल टू 2.2 पाउंड्स। वो अगर 0.2 हटा दोगे आप तो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि एज नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा वो आपको ग्राम में ही फ़र्क पड़ेगा। तो वो चीज़ नहीं करना है। 2.2 एक पाउंड का वैल्यू रहता है 1 किलो का, तो वो चीज़ आप कैलकुलेट करना है। दूसरी चीज़ ये कि मेरा जैसे 176 पाउंड है, 80 kgs मैं वेट करता हूँ, और 80 kgs को अगर 0.8 ग्राम पर केजी के हिसाब से देखेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी अराउंड 64 ग्राम प्रोटीन पर डे इनटेक आता है। और अगर मेरा इंटेंस वर्कआउट है, ठीक है, इंटेंस वर्कआउट है, तो उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 ग्राम पर केजी के हिसाब से, तो वो निकल के आएगा 120 ग्राम पर डे इनटेक आएगा प्रोटीन का। तो ये मेरा रेंज हो गया। जैसे 80 kgs के जो भी कैटेगरी वाले लोग हैं, उनको 64 से लेके 120 मिनिमम से मैक्सिमम, उनकी दो रेंज आ गए। अब मैं 100 ग्राम के अराउंड लेता हूँ, क्योंकि मेरा 4 डेज अ वीक मेरा वर्कआउट चलता है, 4-5 डेज, तो मैं 100 ग्राम्स के अराउंड लेता हूँ। अब ना मैं चार डिवीज़न कर देता हूँ इसमें, 50 kg का कर देता हूँ एक, 60 kg का, 70 kg का, 80 kg का। वो अलग अलग डिवीज़न करके रखा हूँ, तो आप क्या कर सकते हो कि रिलेट कर सकते हो आपका केजी कितना है, आपका वेट कितना है, प्लस आपका उसमें रेंज क्या आ रहा है मिनिमम मैक्सिमम, आपकी वर्कआउट कि कंसिस्टेंसी कैसी है, कि आप 4 दिन करते हो, नहीं करते हो, नॉर्मल वॉकिंग करते हो, या बहुत इंटेंस वर्कआउट करते हो। तो उस चीज़ से आप रिलेट करके आपका चेक कर सकते हो कि आपका प्रोटीन इंटेक कितना है। चार कैटेगरी बनाए हैं, एक 50 किलो की, एक 60 किलो की, एक 70 किलो की, एक 80 किलो की, ठीक है। 80 किलो की जो मैंने बता चुका हूँ, तो 50 किलो के कैटेगरी के जो भी लोग हैं, वो लोग प्रोटीन इंटेक का रेंज 40 to 75 ग्राम पर डे इंटेक रख सकते हैं। आप लोगों को डिसाइड करना है कि आपका क्या है, ठीक है। 50 kg का रहेगा 40 से 75, 60 kg का रहेगा 48 ग्राम से 90 ग्राम, 70 kg का रहेगा 56 ग्राम से 105 ग्राम तक के,
ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि आप लोग रिलेट कर लो इससे कि आपका कितना है और उतना मेंटेन करो। अब ये चीज़ ज़रूरी क्यों है, वाई इज़ इट नेसेसरी टू फॉलो अ प्रोटीन इनटेक ऑन डेली बेसिस? क्योंकि देखो कुछ फिटनेस क्यों करते हैं, अच्छे के लिए, हमारी हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए। हेल्थ अच्छी रहेगी तो यार वेल्थ तो ठीक है, हेल्थ इज़ वेल्थ बोलते हैं, बट हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपका जो जीने का लॉन्ग एज रहेगा ना, तो वो बढ़ जाएगा, एज बढ़ जाएगी, आप उस लॉन्ग एज तक के कुछ डिजीज़ नहीं होगी, आप खुशी खुशी जियोगे लंबा, वो आ जाता है। उसके बाद कुछ कमी नहीं रहेगी, ठीक है, तो आप अच्छे दिन चलेंगे। कोई भी बीमार होना नहीं चाहता, क्योंकि बीमार होने के बाद सही में बहुत बेकार फील होता है, लेथार्जिक फील होता है, तो वो कोई भी पसंद नहीं करता है। तो अगर आपको अच्छी लाइफ चाहिए तो अच्छा फिटनेस रखना पड़ेगा, किसी चीज़ की कमी नहीं होने देना है। तो इसलिए ये पॉइंट को लेके ये कंसिडरेशन करना बहुत ज़रूरी है कि आप प्रोटीन इंटेक, आपका मैक्रोस कैसा है। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव रहेगा। मेरे वीडियो जैसे इन्फॉर्मेटिव ही रहते हैं, बाकी और भी बहुत सारे कंटेंट लेके आने वाला हूँ मैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, और नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो रहेगा कि आपका फैट लॉस का परसेंटेज कैसे चेक करना है, और आप वन ऑन वन मेरे को भेज के भी मैं आपको बता दूंगा कि आपको क्या कितना रहेगा, पूरा मेजरमेंट दे दूंगा मैं। तो नेक्स्ट वीडियो उस पर रहेगा।